का दल उसका दल झंडे के रंग देख करके देश की प्रगति के निर्णय नहीं होते। हमें तो अगर झंडे का रंग दिखता है तो सिर्फ तिरंगा दिखता है और कोई रंग दिखता नहीं। और उसी को लेकर के हम चलते हैं। आदरणीय सभापति महोदय जी, हमारे देश में राजनीतिक कारणों से संप्रदाय का जहर घोलता चला जा रहा है और आज से नहीं चला जा रहा है, लंबे अरसे से चला जा रहा है, जिसने देश को तबाह करके रखा हुआ है, दिलों को तोड़ने का काम किया है। लेकिन सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, हमारी भूमिका क्या है। मैं आज जरा इस सदन को कहना चाहता हूं, 27 अक्टूबर 2013 मैं पटना में था, गांधी मैदान में था, बम धमाके हो रहे थे, निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे गए थे, लाखों की जनमेदनी थी, बड़ा ही कलुषित माहौल था, रक्त की धाराएं बह रही हैं। उस समय जब इंसान के हृदय से बातें निकलती हैं, वो सच्चाई के तराजू पर 100% सही निकलती है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता है। बम बंदूक के बीच रक्त बह रहा था, लोग मर रहे थे, उस समय मेरा जो भाषण है और उसमें मैंने कहा था कि मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए हिंदुओं को किसके साथ लड़ना है, क्या मुसलमान के साथ लड़ना है कि गरीबी के साथ लड़ना है। मैं मुसलमानों को पूछता था, क्या आपको हिंदुओं के साथ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है। और मैंने कहा था आइए, बहुत लड़ लिया, हिंदू मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई। पटना के गांधी मैदान में बम बंदूक और पिस्तौल और गोलियों के बीच में उठाई हुई आवाज है, और इसलिए कृपा करके हम उन काल्पनिक बातों को लेकर के बयानबाजी कर करके आप नहीं बोल रंजीत और इसलिए भारत को प्रेम करने वाले हर व्यक्ति के लिए ये बात साफ है, यह देश विविधताओं से भरा हुआ है, विविधता में एकता यही हमारे देश की पहचान है, यही हमारी ताकत है। हम एक रूपता के पक्षकार नहीं है, हम एकता के पक्षकार हैं, और सभी संप्रदायों का फलना फूलना ये भारत की धरती पर ही संभव होता है, ये भारत की विशेषता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान बना है, वो संविधान हजारों साल के हमारे चिंतन की अभिव्यक्ति है, हमारा जो संविधान बना है वो हमारे भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की प्रतिबिंबित करने वाला संविधान है, और इस संविधान के मर्यादा में रहकर के देश चल सकता है, देश संविधान के मर्यादाओं के बाहर नहीं चल सकता है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता है, किसी को भी संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं होता है, हर एक किसी को अपने साथ चलने का अधिकार है। और मेरी जिम्मेवारी है सरकार में बैठा हूं, सरकार कैसे चलेगी उसकी जिम्मेवारी है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, और मैं बार बार कहता हुआ आया हूं, संप्रदाय के नाम पर अनाप शनाप बातें करने वालों को कहना चाहता हूं
मैं ये कहना नहीं चाहता हूं आज, मैं आपका मुंह बंद करने के लिए मेरे पास हजारों चीजें हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं, इसके लिए मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं हमारा कमिटमेंट क्या है वो मैं आपको कहना चाहता हूं। मैंने बार बार कहा है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए हम संविधान को लेकर के, संविधान की सीमा में रह करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे यहां एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति हमारा तत्व ज्ञान रहा। ट्रूथ इज वन सेज इज कॉल्स इन अ डिफरेंट वे। सत्य एक है, विद्वान लोग उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं, ये हम कहने वाले लोगों में से है। और इतना ही नहीं यही देश है जहां गुरु नानक देव ने क्या कहा है। गुरु नानक देव ने कहा है, सब में ही रब रही या प्रभु एकाई, सब में ही रब रही है प्रभु एकाई, पेख पेख नानक बिकसाई। द वन गॉड प्रिवेट्स विद इन ऑल, बी होल्डिंग हिम इन ऑल, नानक इन डिलाइटेड। ये हमारा तत्व ज्ञान रहा है, ये हमारी परंपरा रही है। और इसलिए हम वो लोग हैं जहां पर तेन तक्तेन भूंजी था इसी मंत्र को लेकर के काम करने वाले हम लोग हैं। और इसलिए जब मैं कहता हूं सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास में मुझे आपका भी साथ चाहिए और आपका भी साथ चाहिए, क्योंकि सबका विकास करना है। और मैं फिर एक बार जिन जिन महानुभावों ने विचार रखे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, और जो उत्तम बातें आपके माध्यम से आई हैं उसको भी परीक्षण करके देश के हित में कहां लागू किया जाए उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आगे भी उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे इसी एक अपेक्षा के साथ। खड़गे साहिबान सावकाश हरू हरू करा लोकल आए था बहुत बहुत धन्यवाद।